अब जो इस टाइम मार्वल टाइमलाइन के साथ और मल्टीवर्स के साथ जो मजे ले रहा है ना, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। आपने मेरा टाइटल थंबनेल तो देख लिया होगा और आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लेड कैरेक्टर की। कहने को तो ये बंदा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एकदम नया है। इसकी स्टोरी, इसकी कास्टिंग सब कुछ नया है, फिर भी मार्वल की टाइमलाइन के अनुसार इस कैरेक्टर की टाइमलाइन बिल्कुल अलग है। अगर एमसीयू यूनिवर्स में देखा जाए तो ब्लेड काफी टाइम पहले था, पर लोगों की नजर में नहीं आता था क्योंकि वो वैम्पायर हंटर है और रात में आके वो लोगों का शिकार करता था, यानी कि बुरे वैम्पायर्स का शिकार करता था जो कि लोगों को परेशान करते थे। तो अभी हाल ही में खुलासा हुआ है कि जो अपकमिंग मार्वल ब्लेड मूवी है उसकी जो टाइमलाइन होने वाली है वो होने वाली है एक्चुअली में 1900 से लेके 1980 तक की। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एमसीयू की स्टार्टिंग हुई थी साल 2008 से, बट अब तो मार्वल सीधा 1900 में पहुंच गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अभी तो फैंटास्टिक फोर मूवी आना भी बाकी है और उसकी टाइमलाइन नहीं पता कि इतने टाइम से अगर फैंटास्टिक थे तो कहाँ पर थे, कैसे थे, उनकी टाइमलाइन क्या है। और सोचिए अभी तो ब्लेड की रिवील्ड हुई है, तो ब्लेड एक्चुअली में रात का खिलाड़ी है और वो रात में शिकार करता था बुरे वैम्पायर्स का, जो कि 90s से था और अभी तक किसी की नजरों में नहीं आया था। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं देखना चाहूंगा कि मार्वल ब्लेड की मूवी की टाइमलाइन को किस तरीके से प्रेजेंट करता है हम सभी के सामने। ओवरऑल ये मूवी एक मॉन्स्टर यूनिवर्स टाइप की होने वाली है, यानी कि ये टीम अप मूवी होगी जिसमें कि ब्लेड अपने नए दोस्तों को शामिल करेगा। तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और उसी के साथ अगर आपको आदि पुरुष के फर्स्ट लुक के बारे में जानना है तो आपको राइट हैंड की तरफ वीडियो मिल जाएगा, जाके चेकआउट करो।